Hey everyone, welcome to Biology in Minutes with Dipali Mehra. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10 का टर्म 2 का सिलेबस, जो आपके चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं आपके टर्म 2 में. तो देखते हैं आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं. यहाँ पे आपके चैप्टर नेम है, ये चैप्टर नंबर है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है, बायो का है, फिजिक्स का है, और यहाँ पे उन चैप्टर की वेटेज लिखी हुई है. साथ ही साथ उन चैप्टर्स का नाम भी लिखा है जो रिड्यूस नहीं हुए हैं, जिनको तुम्हें कम्प्लीटली पढ़ना है, और साथ ही साथ वो भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया जो रिड्यूस हुए हैं, है ना, जो आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, उनमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाने वाला. तो चैप्टर नेम देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 5 एनवायरनमेंट. ये सारे आपके चैप्टर्स पूछे जाएंगे. स्टार्टिंग के दो चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद के दो चैप्टर आपके बायो के हैं, उसके बाद के दो चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, फिर बाद का जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15 वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज से है. अगर इनकी वेटेज देखी जाएगी कितने कितने मार्क्स के इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो आपका बायो पोर्शन है वो 13 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो आपका फिजिक्स पोर्शन है वो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा. इट मीन्स बायो आपकी सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जा रही है. उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर जो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुए हैं, आपको कंप्लीटली पूरे पढ़ने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 5 की, पूरा पढ़ना है आपको. ठीक है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है इसमें से. चैप्टर 8 पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है. चैप्टर 12 कंप्लीट, चैप्टर 15 पूरा पढ़ना है. ठीक है, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है. रिड्यूस पोर्शन की बात करें कि कौन सा चैप्टर कहाँ से रिड्यूस हुआ है, कहाँ से उसके डिलीटेड टॉपिक्स है, तो चैप्टर 4 की बात करते हैं. इस चैप्टर का आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, पर जो 67 पेज नंबर आएगा, 67 पेज से आपका जो चैप्टर का एंड है वहां तक आपको नहीं पढ़ना, वो रिड्यूस पोर्शन है. वहीं पे हम चैप्टर 9 की बात करते हैं. चैप्टर 9 में आपको हेरिडिटी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, पर जो इवोल्यूशन है, जहां से इवोल्यूशन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको नहीं पढ़ना, ये आपका रिड्यूस पोर्शन है. उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 13. चैप्टर 13 को स्टार्टिंग से पढ़ना है, पर जहां पे 236 पेज आ जाए, 236 पेज से आपका जो एंड ऑफ पेज है चैप्टर 13 का, वहां तक आपको नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूस पोर्शन है. सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.